इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे कैथल, कार्यकर्ताओं की मीटिंग को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आने वाले चुनाव में मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा, चाहे मुझे जेल तोड़कर ही क्यों ना आना पड़े। सोच मेरी ये है कि मैं एक एक व्यक्ति से मिलूं, एक एक गांव में जाऊं, लेकिन मेरे सामने दिक्कत है, कठिनाई है। मैं तो 21 दिन की पैरोल पे आया, इसलिए मेरी कोशिश है कि मुख्य संस्थानों में जाकर के लोगों को कष्ट दे करके बुलाऊं और उनसे बात करूं। लेकिन एक वायदा आपसे दे के जा रहा हूं, इसमें किसी सबूत की दरकार नहीं। चुनाव जब घोषित होंगे तो आपके चाहे मुझे कुछ करना पड़े, जेल तोड़ के भी आना पड़े, तो चुनाव में आपके बीच में हूं। वहीं बीजेपी के साथ समझौते को लेकर भी संकेत दिए, कहा कि पहले भी हमारा बीजेपी के साथ समझौता हुआ था। बीजेपी के साथ पहले नहीं गई थी क्या? उनको ध्यान होगा, बीजेपी हार गई थी पार्लियामेंट में, और फिर नए सिरे से जब चुनाव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारा साथ था कि नहीं था? मैंने कहा है कि किसका किसके साथ मेल हो जाए, किससे मेल ना रहे, किससे टूट जाए, अभी आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। बीएसपी से हमारा समझौता हुआ, कल के अखबारों में मैंने पढ़ा कि समझौता टूट गया। तो ये किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा, समान विचारधारा के लोग आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, हमारी नीतियों से सहमत कोई हमारे साथ शामिल होना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। जेजेपी को लेकर बोलते हुए कहा कि हम किसी पार्टी को चैलेंज नहीं मानते, हम राजनीति में अपनी पार्टी की छवि को निखारने के पक्षधर हैं, किसी दूसरी पार्टी को हम चैलेंज नहीं मानते। हम राजनीति में अपनी पार्टी की छवि को निखारने के पक्षधर हैं, हम किसी को चैलेंज मान करके नहीं चल रहे, हम समूचे राष्ट्र का विकास कर सके, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। चुनावी घोषणा पत्रों पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि दूसरी पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र तो जारी किया है, परंतु उन पर कोई अमल नहीं किया है। हमारी पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करेगी, चाहे उसमें दूसरी पार्टियों की घोषणाएं भी आती हों, जो अच्छी घोषणाएं होंगी उन पर हमारी पार्टी आने वाले समय में काम करेगी और हर पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। पत्रकारों के प्रश्न एंड चुनाव के समय पर जेजेपी अलग पार्टी बना इनेलो के लिए कितना नुकसानदायक है, उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम से किसी पार्टी का आंकलन करना उचित नहीं है। हमने 3206 बेरोजगारों को नौकरी दी है, जिस कारण मुझे 10 साल जेल जाना पड़ा। अब की बार हमारी सरकार आने पर हर पढ़े लिखे नवयुवक को नौकरी देगी, इसके लिए चाहे मुझे फांसी पर ही क्यों ना झूलना पड़े। सरकार स्वयं आपके बीच में जाएगी, आपकी दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करेगी। चुनाव घोषणा पत्र दूसरी पार्टियों ने जो छापे, वो शायद उस पर पूरा अमल नहीं कर पाए, लेकिन हम भी उनके चुनाव घोषणा पत्र की अच्छी बातें लोगों को फायदा देती हो उसको लागू करने का काम करेंगे। बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हम नौकरी देंगे। 3206 लड़के नौकरी लगाने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, और अब के सरकार आने के बाद हर पढ़े लिखे युवक को हम रोजगार और नौकरी देंगे, चाहे मुझे फांसी टूटना पड़े। मुझे उसके किसी एक चुनाव के परिणाम से उसके भविष्य को आंकने का प्रयास न करो। कैथल से ब्यूरो, आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।